नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे DUB। DUB का फुल फॉर्म है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी यूटरस के अंदर या यूटेराइन के द्वारा क्या होती है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग आज का हमारा टॉपिक है। क्या होती है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, हम किससे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एटियोलॉजी क्या होती है, एंड फिर अपन देखेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। इस प्रकार से लास्ट में अपन बढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेंड्स क्या है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है। हम डिस्कस करते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के बारे में। तो देखिए इसके अंदर, इट इज़ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये क्या होती है, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, और जिसके साथ में इसका कोई भी ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता है। विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज, अगर यूटेरस के द्वारा वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम इसे क्या बोल देंगे, DUB। ठीक है, DUB इज कॉमन, ये कॉमन होती है एंड नॉट यूजुअली अ प्रॉब्लम। DUB कोई भी प्रकार की एक प्रॉब्लम नहीं है, खुद प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इट कैन बी साइन ऑफ अनदर डिजीज। मीन्स ये है कि ये किसी अदर डिजीज का एक क्या होता है, साइन होता है। हम इसे क्या बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे फीवर आपको आता है, तो फीवर क्या है, फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर भी क्या है, एक साइन है। तो किसी अन्य बीमारी का एक कोई लक्षण होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। जैसे कि वहाँ पर फीवर होता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, DUB है। DUB इंक्लूड्स कंटिन्यूस ब्लीडिंग। अब इस DUB में क्या होता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। एक पीरियड से लगा भी दूसरे पीरियड के बीच में क्या होती है, कंटिन्यू इसमें ब्लीडिंग पाई जाती है, और लॉन्ग पीरियड तक वो ब्लीडिंग का चलती है, या कभी स्टार्ट होती है कभी वापस बंद हो जाती है, कोई फिक्स टाइम एंड इंटरवल इसमें नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर ब्लीडिंग देखी जाती है, हम इसे क्या बोलते हैं, DUB, यानी कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, किस वजह से यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है, इसका रीजन कॉज क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा इडियोपैथी, यानी इसका कॉज अननोन कॉज होता है, कोई फिक्स कॉज इसका नहीं बताया गया। फिर इस लिखा है इसके अंदर प्रेगनेंसी विथ मिसकैरेज। अगर मान लो किसी के अंदर प्रेगनेंसी थी, उसके बाद मिसकैरेज हो गई हो, तो वहाँ से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो, कंटिन्यू हो रही हो, तो भी हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर ये इसका कॉज हो सकता है, इटियोलॉजी हो सकती है। या फिर मान लो कोई ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो ब्लीडिंग हो सकती है। एंडोमेट्रियल के अंदर हाइपरप्लेसिया एंड यूटरस की जो एंडोमेट्रियम जो ले रहती है, वहाँ पर अगर मान लो सेल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, एक्सेसिव नंबर ऑफ कॉज में ग्रोथ कर रही है, ठीक है, या सेल के जो नंबर से बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवाइडेशन हो रहे, तो भी वहाँ पर क्या है, ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। हार्मोनल की वेरिएशन से भी क्या हो सकता है, DUB हो सकता है। पॉलिप का मीन्स होता है यूटेरिन, पॉलिप से एक डिसऑर्डर होता है यूटेरिन का, वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा इसमें क्या होता है, तो उसके द्वारा भी वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। फिब्रॉइड यूटरस हैं, या फिर एट्रोजेनिक यूटरस वगैरह अगर वहाँ को यूज़ कर रही हो, तो भी वहाँ पर क्या है, ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, DUB हो सकता है। तो ये है इसके इटियोलॉजी। अब DUB के अंदर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर क्या है, आपको करेक्टरिस्टिक देखने मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग किस प्रकार से हो रही है, ब्लीडिंग का टाइम इंटरवल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके आधार पर हमने क्या है, यहाँ पर इनके अलग अलग टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी ये टाइप्स क्या होते हैं, इस DUB के अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला इसमें लिखा है मेनोरेजिया, सेकंड वन मेट्रोहेजिया, थर्ड वन एमनोरिया, फोर्थ वन ओलिगोमेनोरिया, फिफ्थ वन मेनोमेट्रोजिया, एंड लास्ट लिखा हमने पॉलीमेनोरिया। तो ये क्या है, सारे DUB के अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। अब इनमें सब में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एमनोरिया। इसका मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का एकदम से बंद हो जाना, एब्सेंट हो जाना, हम इसे क्या बोलते हैं, एमनोरिया। आगे नेक्स्ट लिखा हमने ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो को मीन्स क्या, ओलिगो जहाँ पर लगता है उसका वर्ड का मीन्स होता है हमेशा कम होता है, डिक्रीज हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इंटरवल जो होता है, जो टाइमिंग इंटरवल जो होता है, जैसे कि नॉर्मल जो इंटरवल होता है वो 28 डेज का होता है। अब इसमें जो नॉर्मल जो अपन देखते हैं 28 डेज का होता है, तो अब यहाँ पर जो क्या लिखा है, ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इंटरवल होगा वो कितना होगा, लेस देन 35 डेज, यानी 35 डेज के कम होगा, हम इसे क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया। इंटरवल जो होता है, टाइम पीरियड कम हो जाता है। पॉलीमेनोरिया क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरवल ये क्या हो जाता है, लेस देन 24 डेज, सॉरी हमने ओलिगोमेनोरिया में पढ़ा था कि 35 डेज से अगर ज़्यादा इंटरवल, यानी किसी को क्या होती है, जो मोस्टली वुमेन जो होती है, जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनका जो करेक्टरिस्टिक होता है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है। कितने की होती है, 28 डेज की अपन मानते हैं। अब इसमें ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इंटरवल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इंटरवल यानी उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया। अब इसमें लिखा है ग्रेटर देन 35 डेज, यानी कि
अब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की आएगी? 35 दिन से ज़्यादा दिन की आएगी, जबकि आने कितनी चाहिए थी? 28 डेज की। तो ये दिन डेज क्या होते हैं? बढ़ गए। इस डेज का बढ़ जाना तो ये क्या, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के आए वो कम आएंगे, तो पीरियड्स कम आएंगे, इसको हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। लेकिन इसमें क्या है, इंटरवल बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा हमने पॉलीमेनोरिया, इसका मीन्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से इंटरवल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इंटरवल जो होता है वो कितने दिन का होगा? वहाँ पर 24 डेज से कम का होगा, मतलब कि 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल थी नॉर्मली, अब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कितने फुल हो जाएगी, साइकिल 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, वापस बार बार 24 डेज में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड्स कम हो रहा है, यानी टाइम इंटरवल कम होगा, लेकिन जो साइकिल्स हैं उसकी जो रेट दर है वो क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो 12 महीने के अंदर क्या होगी, एक दो साइकिल एक्स्ट्रा आएगी, जबकि यहाँ पर क्या है, कम आएगी। तो कम आएगी उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया, ज़्यादा आएगी उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। और नॉर्मल क्या होता है, 28 डेज का साइकिल्स होता है। फिर लिखा नेक्स्ट हमने मेनोरेजिया क्या होता है, तो रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है रेगुलर होगी, विद ब्लड लॉस कितना होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ ब्लीडिंग जो होती है वो रेगुलर होती है, मतलब 28 डेज की होगी, कितने दिन की होती है, 28 डेज की है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें जो ब्लड का जो लॉस होगा वो अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ब्लड लॉस कितना होगा यहाँ पर, 80 ml से भी ज़्यादा होगा, जबकि कितना होना चाहिए नॉर्मली, 35 टू 40 ml यहाँ पर हमने नॉर्मल माना गया है। तो अब 80 ml से भी ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलेंगे पर साइकिल। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ब्लीडिंग होती है वो क्या होगी, ज़्यादा रहती है, जो कि नॉर्मली मोस्टली वुमेन कितनी आती है, 4 दिन तक ब्लीडिंग आती है, जबकि इसमें कितना होगा टाइम, 7 डेज से भी ज़्यादा हो सकता है, हम उसे बोलते हैं मेनोरेजिया। नेक्स्ट में लिखा हमने मेट्रोहेजिया, इसमें लिखा है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो कैसे होगी यहाँ पर, इरेगुलर होगी, मतलब इसका कोई फिक्स टाइम एंड पीरियड्स नहीं होता है, कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जबकि इसमें क्या है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसमें रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है। अब हम देखते हैं आगे मेनोमेट्रोहेजिया। अब मेनोमेट्रोहेजिया क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, अकरिंग एट अ इरेगुलर इंटरवल, और उसका इंटरवल भी क्या है, इरेगुलर होगा, उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, मेनोरेजिया और मेट्रोजिया दोनों के करेक्टर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट, इसका मेनोरेजिया करेक्टर क्या था, तो ब्लड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होगी, हो ज़्यादा हो रही, तो यहाँ पर लिखते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, और मेट्रोजिया क्या था, इरेगुलर, तो यहाँ पर देख लो इरेगुलर आ गया। तो दोनों के करेक्टर एक साथ उसमें बोलते हैं मेनोमेट्रोहेजिया। तो ये हमने पढ़ लिए फ्रेंड्स, क्या पढ़ लिए, सारे इसके टाइप्स पढ़ लिए। अब इस टॉपिक के अंदर, डीयूबी के अंदर मोस्टली आपको जो डिस्कस करना होता है वो टॉपिक कौन सा होता है, एक तो होता है मेनोरेजिया, आपको एक्सप्लेन करना होगा, और दूसरा मेट्रोरेजिया। तो हम देखते हैं मेनोरेजिया क्या होता है, इट इज़ प्रोलॉन्ग और एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसमें क्या होती है, प्रोलॉन्ग है, लंबे समय तक और ज़्यादा ब्लीडिंग रहेगी, ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी 70 ml से भी ज़्यादा होगी इसके अंदर। एट दिस टाइम ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन फ्लो के टाइम में इसमें क्या है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और टाइम पीरियड उसको बढ़ जाता है। द कोज ऑफ दिस कंडीशन, अब ये क्यों होता है, इसका कोजेज क्या है, तो इसमें लिखा है मेनली रिलेटेड टू एंडोक्राइन, एंडोक्राइन की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, हार्मोन की वजह से हो सकता है, या कोई इंप्लीमेंट कंडीशन हो तो भी हो सकता है, यूट्रस के मेलिग्नेंसी और कैंसर वगैरह होगा तो भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की कोई कंडीशन हो तो भी हो सकता है, या फिर हाइपोथायरॉइडिज्म अगर हो है, तो भी इसकी वजह से क्या होगा, मेनोरेजिया हो सकता है। अब इसमें लिखा है परसिस्टेंट हैवी ब्लीडिंग, यानी अगर ये ब्लीडिंग अगर लंबे समय तक लगातार कंटिन्यू है तो क्या होगा, उससे वजह से एनीमिया बॉडी के अंदर कॉज हो सकता है। तो ये हमने पहला पढ़ लिया मेनोरेजिया। अब देखेंगे हम मेट्रोहेजिया क्या होता है, इट इज़ वेजनल ब्लीडिंग, ये क्या होती है, वेजना के द्वारा एक ब्लीडिंग होती है बिटवीन द रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड्स जो है, यानी 28 डेज की जो साइकिल से वो रेगुलर 28 डेज के अंदर आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, वेजनल ब्लीडिंग होगी। कैसी होती है, इसमें देखो, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिसफंक्शन इसको सबसे ज़्यादा इसको माना गया है, मेट्रोजिया को बताया गया, बिकॉज इट मे सिंगल कैंसर, इसमें क्या हो सकता है, कोई भी सिंगल कैंसर हो सकता है, बिनाइन या अदर फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, इनकी वजह से यहाँ पर क्या है, मोस्टली आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो ये कहलाता है आपका मेट्रोहेजिया कहलाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, किस प्रकार आप इसको डायग्नोस करेंगे कि कौन सी ब्लीडिंग है, कौन सा टाइप से, इट इंक्लूड डिटेल हिस्ट्री, अपन क्या करेंगे, सबसे इसकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे कि ब्लीडिंग किस प्रकार से हो रही है, अमाउंट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या देखेंगे, सबसे फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फिर इसका अमाउंट देखेंगे, और फिर इसका ड्यूरेशन देखेंगे, तो इन तीनों को लेकर अपन क्या करते हैं, इसका डायग्नोस करेंगे कि वो कौन से प्रकार की DUB है, ठीक है। अब इसके लेबोरेटरी टेस्ट भी अपन करा सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें करेंगे CBC करा कर देख सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट देख सकते हैं, थायराइड की हेयर हिस्ट्री देखेंगे, पैप स्मेयर करा कर देख सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराएंगे, या पेल्विक एग्जामिनेशन से, इन सब ये क्या है, सारे इसके डायग्नोसिस होते हैं, इससे अपन पता लगाएंगे कि DUB है और कौन सा है। अब लास्ट इसका आता है अपन मैनेजमेंट देखेंगे, तो मैनेजमेंट में क्या होगा, जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जो भी ब्लीडिंग हो रही है, पेन वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट ड्रग जो आती है जो है ट्रेनिक एक्समिक एसिड, कौन सी आती है, ट्रेनिक एक्समिक एसिड आता है, ये सबसे मोस्ट टैबलेट, इसमें बेस्ट टैबलेट मानी जाती है ब्लीडिंग के रोकने के लिए, ट्रेनिक एक्समिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेनिक एक्समिक एसिड जो आता है बेस्ट
एसिड इसमें माना गया है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। एंड नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी देंगे, एनएसआईडी भी देंगे जो पेन को रिमूव करेगी, इंफ्लेमेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देंगे जो हार्मोन की वजह से अगर मान लो कोई ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या प्रोजेस्टेरोन देंगे ताकि ब्लीडिंग और मेंटेन रहेगी, एबॉर्शन कंडीशन नहीं होगी, मिस करेज अगर नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। आयरन देंगे, फॉलिक एसिड देंगे क्योंकि ब्लीडिंग होगी, एनीमिया अगर कॉज नहीं होगा इसलिए अपन क्या आयरन फॉलिक टैबलेट देंगे। तो ये सारा हमारा क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे, हिस्टेक्टोमी करा सकते हैं, रेडियोथेरेपी है, यूटेराइन कोलेटेज है, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन, ये क्या होते हैं सारे सर्जिकल प्रोसेस होते हैं। इनके द्वारा अपन क्या करते हैं सर्जरी करके वाउंड्स का मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं, जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, अगर मान लो कैंसर वगैरह हो, कोई ट्यूमर वगैरह हो तो उसको रिमूव कर देंगे। इस प्रकार अलग अलग जो टेक्निक होती है इसको यूज में करते हैं, अपन क्या कर सकते हैं उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो आता है लास्ट टॉपिक जो आगे वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो फ्रेंड मोस्टली जो इसमें कॉमन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना होता है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, पैनल केयर के लिए बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, फ्लूड इंटेक इंक्रीज बढ़ा देंगे, फॉलिक एसिड है, आयरन सप्लीमेंट की जो डाइट होती है, ड्रग्स अपन देंगे, एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, ये सारे क्या होते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। अब अपन देखें इसके नर्सिंग डायग्नोसिस अपन कैसे बनाएंगे, क्या तैयार होंगे, तो इसमें सबसे पहले डायग्नोसिस बनाएंगे पेन रिलेटेड टू डीयूबी। नर्सिंग डायग्नोसिस का दो प्रकार बनते हैं, एक तो होता है एक्चुअल, एक पोटेंशियल होता है। तो इसमें मैंने आपको दोनों इसमें बताया हुआ है कि पेन रिलेटेड टू डीयूबी ये क्या एक्चुअल मैनेजमेंट डायग्नोसिस होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस एक्चुअल यानी एक्चुअल रीजन क्या है, किस वजह से क्या हो रहा है, तो पेन होगा डीयूबी के अंदर। और दूसरे क्या है ना, फीवर रिलेटेड एब्डोमिनल हेल्थ, क्योंकि फीवर यानी इन्फेक्शन वगैरह अगर मोल रहा, इन्फ्लेमेशन वगैरह तो भी क्या उससे फीवर आएगा, तो इस वजह से हो सकता है। फैटिक ड्यू टू ब्लड लॉस, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये इसका डायग्नोसिस मिल जाएगा फैटिक ड्यू टू ब्लड लॉस। और नेक्स्ट वन बढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है दो, तो इसमें लगेगा सेवरल डिसफंक्शंस रिलेटेड टू अल्टर बॉडी फंक्शन, बॉडी के फंक्शन सारा क्या हो जाएंगे अल्टर हो जाएंगे, जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी वो भी क्या है अल्टर हो जाएगी, क्यों हो रही है रिटर्न ब्लीडिंग की वजह से। फिर लिखा लास्ट में लिखा रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूड, अब बॉडी में से क्या है ब्लड का लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा उस बॉडी के में अंदर फ्लूड की कमी हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमने लिखा रिलेटेड टू फीवर, या फीवर की वजह से क्या होगा फ्लूड का वॉल्यूम लॉस हो जाएगा। ये है इसके सारे क्या नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा जो टॉपिक था डीयूबी यानी कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, फंक्शंस नॉर्मल फंक्शन ना होकर उसके जो फंक्शन क्या होते हैं एबनॉर्मल फंक्शन हो जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हम उसे क्या बोलते हैं डीयूबी। इसके अंदर अपने अलग अलग प्रकार के टाइप्स और कैरेक्टर अपने देख लिए, उसका मैनेजमेंट सारा पढ़ लिया। तो ठीक, तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।